नमस्कार, मैं संगीता। डिलीशियस भोजन में स्वागत है आपका। तो दोस्तों, आज हम दाल और चावल का नाश्ता बनाने वाले हैं। तो एक कप चावल और हाफ कप दाल मैंने लिया है। आप चाहें तो दाल और चावल की क्वांटिटी एक बराबर ले सकते हैं। ये मैंने 5 से 6 घंटे सोक करके लिया है, भिगा कर लिया है और अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। आप चाहें तो ओवरनाइट भी भिगा सकते हैं। और अब हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। तो ये पीस लिया है मैंने, और मैं पीसते समय आपको दिखाना भूल गई थी। मैंने 2 से 3 हरी मिर्च और 1 इंच टुकड़ा अदरक का मैंने डाल दिया था उसी समय, तो ग्राइंडर जार में, और अच्छा सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। तो कंसिस्टेंसी हमारी ऐसी ही रखना है हमें, बहुत ज़्यादा पतला बैटर हमारा नहीं हमें बनाना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है। तो दोस्तों, बैटर हमारा बनकर तैयार हो गया है और मैंने चने की दाल का यूज़ किया है। चने की दाल के साथ ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनता है। तो कंसिस्टेंसी हमारी ऐसी होनी चाहिए, बैटर हमारा बहुत पतला नहीं होना चाहिए। तो अभी हम कुछ सब्जियां ऐड कर देते हैं। तो ये मैंने मीडियम टमाटर बिल्कुल बारीक सा काट लिया है। आप और भी अपने मन पसंद की जो भी सब्जी आप खाना पसंद करते हैं डाल सकते हैं। और ये लिया है मीडियम प्याज, बारीक बारीक काट लिया है। शिमला मिर्च एक मीडियम बारीक बारीक काट लिया है। और ढेर सारा धनिया डाल देंगे, मिला लेंगे एक बार। मिला लिया है मैंने सारी सब्जियों को। आप अपने मनपसंद की कोई भी सब्जी यूज कर सकते हैं दोस्तों, और बहुत बढ़िया नाश्ता है। घर में ही सारे सामग्री हमारे मिल जाएगी। और ये लिया है मैंने 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप तीखा पसंद करते हैं तो और मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। ये 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार, मिला लेंगे। तो दोस्तों, सारी सब्जियों को और मसालों को मिला लिया है मैंने। और ये 1 छोटा चम्मच इनो डाल देंगे और मिला लेंगे। इनो अच्छे से फूल गया है जैसे कि आप देख सकते हैं, और एकदम फ्लफी हो गया है। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। नॉन स्टिक पैन लिया है मैंने, और 1 चम्मच तेल डाल देंगे, 1 से 1.5 चम्मच। फैला लेंगे तेल को अच्छे से। तो दोस्तों, तेल हमारा गर्म हो गया है और थोड़ा थोड़ा सा बैटर हम पैन में इस तरह से फैलाते जाएंगे। आप चाहें तो बड़ा बड़ा सा साइज का बना सकते हैं, लेकिन मैं छोटा छोटा साइज का बना रही हूँ। और फ्लेम को हमने लो रखना है और ढककर रख देंगे 1 से 2 मिनट तक। एक साइड का हम पक जाने देंगे। तो दोस्तों, 2 मिनट हो चुका है, और देख लेते हैं नाश्ता हमारा एक तरफ से अच्छे से सिक गया है। और अब हम धीरे से पलट लेंगे। ये देखिए, और इस तरफ से भी हम सेक कर 2 से 3 मिनट तक अपना नाश्ता तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, खोलकर देख लेते हैं, दूसरी तरफ से भी नाश्ता हमारा सिक गया है और बहुत बढ़िया से सिक कर तैयार हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए बहुत बढ़िया लग रहा है और बहुत हेल्दी और टेस्टी बनता है ये। तो इसी तरह से सारा बना लेंगे। तो दोस्तों, सारा नाश्ता बना लिया है और ये आखिरी पैनकेक हमारा बनकर तैयार हो गया है। बहुत टेस्टी बनता है, एक बार से आप ट्राई करके जरूर देखें। आप चाहें तो बैटर के साथ आप दही का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया है, आप जरूर कर लें। तो इसी तरह से हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसी तरह से प्लेट लगा लिया है, और बहुत टेस्टी बनता है और बहुत हेल्दी भी बनता है और फटाफट से बन जाता है। आप चाहें तो बैटर तैयार करके रख लें पहले दिन फ्रिज में स्टोर करके, और दूसरे दिन सुबह सुबह फटाफट से बना लें। तो अगर आपको मेरे बनाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों मेरी आपसे, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।